सो हेलो फ्रेंड्स, कैडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सूट पे आए हुए थे, तो आज एक ऐसे शख्स से मेरा मुलाकात हो गया जो मैं होप नहीं किया हुआ था, लेकिन आते आते वीडियो के माध्यम से मैं आज उनसे आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ। नाम नहीं बताऊँगा, देन आप लोग उसका चेहरा देख के ही आप सेटिस्फाई कीजिए कि कौन है। हाय फ्रेंड्स, और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम हुआ सुमित झारखंडी, SKM ब्लॉग से मेरा एक इंटरव्यू चैनल चलता है, या तो ब्लॉग जो भी देख सकते हैं झारखंड के लोगों को मैं खासकर उसमें दिखाता हूँ, या तो उनका इंटरव्यू या तो उनका जो झारखंड के जितने भी कलाकार है, या तो शूट होता है या तो जो भी फेमस लोग होता है, मैं अपने चैनल पर दिखाता हूँ। तो भाई मिल गया यार, काफ़ी खुशी है कि खुशी होता है कि ऐसे मतलब मेरे फैंस जहाँ हम मिल जाते हैं। जी धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरा वीडियो देखकर। भाई दिल्ली में जॉब करते हैं ना? जी जी, दिल्ली में है, गुड़गांव में। तो भाई कुछ पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं क्या इसके बारे में? तो जी फाइनली आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप विक्रम रवानी के साथ यहाँ पे कौन से गाने में शूट के माध्यम से आए हुए थे? तो अभी ये भैया का शूट चल रहा था, विक्रम भैया का, HD खट्टा TV का, जो कि ओनर है राजीव दास जी, और हमारे झारखंड में बोल सकते हैं इनका चैनल जो कि टॉप लेवल पर है, मतलब सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है इनके चैनल पर, और काम भी इनका बहुत अच्छा रहता भैया का। तो हमेशा अभी हम और विक्रम भैया एक साथ में रहते हैं, और उनका भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट रहता है मेरा हर चीज़ में। अभी तक जो भी देखते हैं झारखंड में, तो विक्रम भैया का सबसे ज़्यादा उनको जाता है क्रेडिट बोल सकते हैं। लेकिन इनका इनका एक चीज़ है कि ये अपने आप को बताते नहीं है, लेकिन इनसे हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है इनका चैनल में। आप लोग एक बार जाके जब देखेंगे कि ये हमेशा खुट्ठा को आगे बढ़ाने के ऊपर इनका बहुत ही मेहनत और लगन रहता है। देन ये क्या करते हैं कि मतलब कहीं भी रहे या वीडियो कहीं भी शूट रहे, खुट्ठा को लेके इनका मतलब बहुत ही अहम भूमिका रहा है, और ये अपने वीडियो के माध्यम से ये बताते हैं कि हम लोग शूटिंग कैसे करते हैं, उसको मोटिवेशन कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, और मॉडल कैसे रेडी होती है। देन जो विक्रम भैया के साथ ये रहते हैं, उनके साथ सपोर्ट भी इनका बहुत है, और हम लोगों को ये सीख बहुत ही अच्छा से मिल रहा है। देन और आप कुछ बताएं थोड़ा सा भैया जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो झारखंड का एक भाषा खुट्ठा भाषा, ये भाषा मतलब उतना भोजपुरी आप लोग जानते होंगे, भोजपुरी सुनते होंगे, बट खुट्ठा बहुत ऐसे कम लोग हैं आपके शायद ऑडियंस देख रहे हैं, तो दिल्ली से आप हों तो शायद खुट्ठा भाषा वहाँ दिल्ली में लोग कम समझते हैं, कम समझते हैं, भोजपुरी ज़्यादा समझते हैं। तो मेरा एक झारखंड का एक भाषा खुट्ठा भाषा, तो उसमें से क्या है कि लोग इनको नहीं जाना, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भाषा को थोड़ा सा जमीनी स्तर से दिखाया जाए। जी जी, हमारे झारखंड में भी एक भाषा है, लोग इस तरह के यहाँ भी आर्टिस्ट कलाकार काम कर रहे हैं, तो उनको मतलब सही से लोगों तक वही चीज़ नहीं कोई पहुँचा पा रहा, तो मैंने ये एक अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाना ही चाहा। तो थोड़ा सा फोन थोड़ा सा सर, थोड़ा सा अपना चैनल का थोड़ा सा नाम बताइएगा, मतलब हमारा दर्शक जानने चाहते हैं जो हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं, तो थोड़ा सा चैनल का नाम बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मेरा चैनल का नाम हुआ SKM ब्लॉग, आप सर्च मारिएगा या तो सुमित झारखंडी से अगर सर्च मारते हैं यूट्यूब पर, तो आपको बहुत सारा मेरा ब्लॉग्स वीडियोज इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। तो ये मतलब वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को जो हमारा झारखंड का भाषा वो भी आप लोग को मतलब लोगों के समझ में आ जाए कि हाँ भोजपुरी हिंदी का अलावा भी और झारखंड से भी एक भाषा है जो कि काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं और लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, नए नए कलाकार लोग भी आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद जो भी फेमस स्टार रहता है, ये नहीं कि मैं झारखंड ही दिखाता हूँ, झारखंड के बाहर कभी मन करता है जाने का तो मैं वहाँ कभी, ये नहीं कि मैं उस भाषा का ही ज़्यादा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझे सभी भाषा से अच्छा प्रिय है, बट अपना जो होता है एक दिल का अपना जो मातृभाषा था उसके लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा कोऑपरेट करता हूँ, क्योंकि अपना मातृभाषा हर किसी को अच्छा लगता है। जी थोड़ा सा ये मतलब हम लोग थोड़ा सा और आप लोग इस खुट्ठे को मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं फूस, आपका कहने का मतलब जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि ये खुट्ठा पे ज़्यादा इनका लगन है और ये चाहते हैं कि हमारा खुट्ठा और आगे बढ़े, तो आप लोग भी इस तरह सपोर्ट करें सुमित भैया को और हमको भी। तो जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका चैनल। भाई जैसे कि ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मतलब झारखंड से, तो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो भाई मेरा वीडियो कहीं ना कहीं देखे होंगे। जी जी, और आज इनसे मुलाकात हुआ तो काफी अच्छा लगा भाई से मिलकर, और थैंक यू। भाई को अभी चैनल का क्या नाम हुआ आपका? मेरा KD ब्लॉग भाई का चैनल का नाम है। तो आप लोग भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोग कौन कौन चाहते हैं कि दिल्ली सुमित भाई पहुंचे झारखंड का, और अच्छा खासा मैं चाह रहा हूँ अच्छा खासा सब्सक्राइबर अगर हो जाता 100 के, और मैं जाऊं दिल्ली और मुंबई मतलब वगैरह वगैरह सारे जगह में एक्सप्लोर करूं तो अच्छा लगा। हाल फिलहाल में मैं गया था पटना में भी बहुत सारे ऐसे जो कि अच्छे आर्टिस्ट कलाकार लोग, उनका घर भी मैं गया था बट मिल नहीं पाए। तो आप लोग जो है दिल्ली से अगर वीडियो देख रहे हैं तो कोऑपरेट करना, और भाई तो कोऑपरेट करेंगे जी, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई मेरा वीडियो भाई झारखंड के रहने वाले दिल्ली में देखते हैं, तो अच्छा लगता है सर। बस भाई को इसी तरह कोऑपरेट कीजिए और हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। जी आपका ही देन है, थैंक यू।